गुलामी हमारे हाथ की तकदीर बन जाती है। कभी बेटी, कभी बहू, कभी बेनामिया। एक ही मुक्ति है, मौत। अब हम ना ही जिया, अब हमको ना ही जीना है। अरे अरे ये क्या कर रही है बुढ़िया? मरने जा रही है बुढ़िया। अरे जाने दो, कोई बचाओ, बचाओ इनको। अरे क्या कर, छोड़ दो हमको। इस उम्र में सेवा चाकरी नहीं होते भाई, हमका चाहिदा। अरे हम नहीं जिया। घर में कोनो चारा नहीं बचा, तो मरे के खातर कुएं में चली आई। मरने नहीं देंगे हम तुमको। चलो तुम घर के नहीं रखा ना तुमको। अरे चलिए जी, मरेंगी, इनको छोड़ दो। उत्तर प्रदेश के 85 गांव में एक 60 वर्षीय महिला अपने जीवन का अंत कर देना चाहती थी, आत्महत्या करना चाहती थी। और वो किस गुलामी की बात कर रही थी? हम अपने बच्चों को कितने प्यार से बड़ा करते हैं, उनकी आजादी का, खुशियों का ख्याल रखा जाता है, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि उन्हें गुलाम बना के रखा जाता है, उनकी हसरतों को कुचल दिया जाता है। लेकिन इस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए कुछ हालात से समझौता कर लेते हैं और तकदीर के सामने अपना सर झुका देते हैं, पर कुछ हालात से लड़ते हैं और कुछ गलत रास्तों पर चलकर अपराध का रास्ता चुन लेते हैं। आज की कहानी ऐसी ही चार बहनों की है जो किसी भी रास्ते पर चल सकती हैं। आज देखते हैं कैसा सनसनीखेज केस जो आपको हमारे समाज का एक ऐसा आईना दिखाएगा जिसे देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्या आज भी हमें खुलकर जीने का हक हासिल है? ये लो बिटिया, 1000 रुपया, अब तक का हिसाब क्लियर। जीजा जी, वो इंदू जीजी रास्ते में मिली थी, ये टिफिन देने को बोला है। हाँ तो माथा पे रख दो, रखो ना वहाँ पे। अरे भैया राम जी, बंद कर दरवाजा। कब से पी कर रही है, दिमाग फटने लगा है। ऐसा ना, अरे कितना अंतर है बताओ हमारी कुसुम ओ बिमला में। ये देखो, ये हंसती रहती है और वो रोती रहती है। दीदी हमको 300 रुपया मिलेगा, वो कॉलेज का फीस देना है। पूछेगी हमसे, जिंदा है अभी हम, क्या मनमानी करेगी, बांट देगी सब पैसा। बाबूजी वो चकोरी की कॉलेज की फीस। चल दे दे। ऐ सुनो, आज इसको पानी देना न खाना, दिन भर भूख से तड़पेगी, तब पता चलेगा इसको किससे कैसे बात करते हैं। पर इसी की तो कमाई है, इसका भी तो कुछ। चल जा खाना बना। एक बार हमारी बात सुन ले अम्मा। अम्मा रहने दीजिए। एक मौका दे दो अम्मा। चल निकल यहाँ से। घर में घुसने की हिम्मत की ना मिर्ची का तेल डाल के चला दूंगा यहीं। अरे नहीं सुनने तेरी कोई बात, नहीं शक्ल देखनी है, चल निकल। बाबूजी हे राम, हम सोचे थे कि लोग अफवाह उड़ा रहे पर ये ससुरी तो सच में आ गई। निकल यहाँ से, चल निकल। बेला तुम्हारी वजह से यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है, इससे पहले कुछ और हो जाए तुम चली जाओ। अरे जाओ निकल। अरे चली जा कनमोई, जा रही है कि नहीं? अरे कोई तो सुनो हमारी, अरे कोई तो हमारी मदद करो भाई। अरे मौत दे दा हमका। ए कुसुम बेटा तू ही हमारी सुन ले, हाथ जोड़ के भीख मांगते बेटा, मौत दे दे हमका। तो के भोलेनाथ की कसम है बिटिया, हमारी मदद कर। अरे बस कीजिए बिमला काकी, हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमको कुछ मत कहिए, ये सब करना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। हम काहे मार के अपने सर पे पाप चढ़ाएंगे? समय कभी किसी का एक सा नहीं होता, आज जो हमरी है ना कल तोरी भी ई बारी होगी। मौत की भीख मांगेगी तू भीख। मेरी मदद कर बेटा, मार दे हमको। आज हमारी बारी तो कल तोरी, श्राप है हमारा श्राप, मौत की भीख मांगेगी तू। एक महिला क्यों अपनी मौत की भीख मांग रही थी और क्यों एक ही घर के लोग अपने घर की बेटी को घर में नहीं आने दे रहे थे? ठीक से पकड़। ओलंपिक से लेकर पढ़ाई लिखाई और देश के हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना जादू बिखेर रखा है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो देश का नाम और भी रोशन कर सकती है। आज हमारे स्टूडेंट महिला बाबूजी रात से घर ना आए, हमें बहुत चिंता हो रही है इनकी। वो पंकज जो है पुराना पियक्कड़ है, पड़ा हुआ कहीं नाले में पी के। ठीक से पकड़, एक काम कैसे ढंग से नहीं होता। आपको टीवी की पड़ी है, यहाँ हमारे पति गायब है। अब हम इनसे ताले ना चल सकते। ये ना गठिया हुआ है इनको, दिमाग खराब नहीं हुआ है। इतने दर्द में 12 किलोमीटर जाएंगे तेरे साथ थाने। आपके ना कोई दर्द वर्द ना है, अच्छे से जानते हैं हम सब। आप हमारे साथ जाना ही ना चाहते। बहुत मुंह चल रहा है तेरा। ठहर जाइए, ठहर जाइए, पति खोया है उसका। ए कुसुम्बा जा जरा, तू तो चली जा इंदू के साथ थाने। साहब कल शाम से हम अपने पति का नंबर लगा रहे हैं मगर लग नहीं रहा है। नंबर क्या उनका? ये वाला। आप दोनों बहने घर से कोई बड़ा नहीं है? साहब वो हमारे बाबूजी के पैरों में दर्द रहता है इसलिए हम दोनों ही आ गए। आपके पति कहाँ काम करते थे, उसका नाम क्या है? जी पंकज, वो इसी गांव की साड़ी फैक्ट्री में क्वालिटी चेकिंग का काम करते हैं। किस गांव से? उसका कोई परिवार? साहब वो इसी गांव से हैं, हमारे परिवार के सिवा उनका और कोई नहीं है। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हो, जैसे हमें कोई खबर मिलेगी हम आपको कॉल करेंगे। ये हमरे 200 की चार। क्या बात है, सीधे 200 की बाजी, कहीं लॉटरी तो नहीं निकली आपकी? ये लो हमरी भी 200 की चाल। साहब आया तो जरूर था लेकिन गया कब कुछ याद नहीं। आप पंकज भाई तो बहुत जल्दी में था, उस दिन हम लोगों को तनख्वाह मिली थी, वो अपना पैसा दोपहर में ही लेके निकल गया। जब पंकज ने आपसे छुट्टी मांगी तो कुछ अजीब लगा, जैसे कुछ वो डरा होगा वो या कुछ और? हाँ साहब, वैसे 6 महीने से उसका बर्ताव कुछ अलग सा लगता था मुझे। अच्छा सुनो, ये सब साड़ी ये क्या पहन के आए हो तुम लोग? तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या मर्दों को लुभाने के लिए? कल से ये सब नहीं चलेगा समझे? लो लगाओ साड़ी पे, अंग प्रदर्शन करके कैटरीना बनेंगे सब। उसके ऐसे बर्ताव की कोई वजह? किसी से कोई झगड़ा या फिर कोई अनबन? यहाँ उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बाहर का तो पता नहीं साहब। नारायण या पंकज का तो किसी के साथ कुछ हुआ नहीं है, फिर वो अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा था? हो सकता है इस सवाल का जवाब उसके रिश्तेदारों के पास हो। फिलहाल तुम एक काम करो, उसकी मोबाइल की लास्ट लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और उसके दोस्तों से पूछताछ करो। सर लीजिए। अरे इंदु, ये बोरिया बिस्तर उठा के कहाँ घुसी चली आ रही है? बाबूजी, हमरे पास ना पैसे ना है और हमरे पति का भी अभी तक कुछ पता नहीं चला, तो हम वो घर में क्या करेंगे? हमको क्या पता क्या करेंगे? कोई धर्मशाला खोल रखी है, मुंह उठाया चले आए। धर्मशाला नहीं खोल रखी तो आप काहे मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं? मुंह संभाल के बात कर, निकल यहाँ से चल। हम ना जाने के लिए नहीं आए, चलो खाना खाओ। हम भी देखते हैं तो कैसी मनमर्जी करती है। बाबूजी, हम ना बेला ना है कि आपके सारे के सारे अत्याचार सह लेंगे। अगर आपने हमें यहाँ से निकालने के बारे में सोचा भी ना तो हम पुलिस को जाके बेला के बारे में सब कुछ बता दें। फिर आप सोचिएगा आगे होगा क्या। गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई। अम्मा पुलिस आई, अम्मा पुलिस आई। काका है? चलिए जी, जल्दी से उनको अंदर ले चलते हैं। खोलिए जल्दी, खोलो। क्या है तोड़ा रहा? 6 महीने से परेशान था, हमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा होगा। अब दिन रात तो हमारे साथ रहता नहीं था ना पंकज, हमको कैसे पता होगा? क्यों, तुम्हारा कुछ नहीं लगता था? दामाद था ना वो? दामाद तो था, पर गांव वालों को भी कहना है कि पिछले 6 महीने से वो परेशान था। देखिए साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमारे पति को बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको जरूर किसी ने कोई गलत बात कही है, वो कोई परेशान वरेशान नहीं थे। कुसुम, फैक्ट्री से पता चला है कि एक बार तुम्हारे और पंकज के बीच में कुछ गड़बड़ हुई थी। क्या किए हो? सब साड़ी में एक ही धागा, तुमको दिमाग वाग नहीं है? इसका क्या चार देंगे? वो तो फैक्ट्री में उनका काम ही था ये जांच करना कि साड़ियों पर कशीदाकारी सही हुई या नहीं, ताकि जब माल बाजार में जाए तो वापस ना आए। हमारी एक गलती की वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। हाँ साहब, ये सही कह रही है। यानी कि अक्सर वो ऐसे ही लोगों के ऊपर गुस्सा हुआ करता था। तुम लोग यहाँ काम करने के लिए आते हो या मर्दों को लुभाने के लिए? तुमको दिमाग वाग नहीं है? इसका क्या चार देंगे? कहीं ऐसा तो नहीं किसी चक्कर वक्कर था? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज के गायब होने के पीछे आखिर ऐसा क्या राज था? पंकज को गायब करने से किसका फायदा था? साहब, इन लोग के पास से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलने से रहा। हाँ, पर इतना पक्का है कि उसके गायब होने का राज उसके 6 महीने में आए बदलाव से जुड़ा है। सवाल यह है कि अरे भैया, आवाज कैसी लगता वहां से आ रही? सर अरे मैं क्या करूं मोरी मैया, इधर आ। इधर आ। अरे ये कैसा आवाज आ रहा है तेरे घर से? अब हमारी बुआ है, थोड़ा उम्र ज्यादा है और बीमार रहती है तो दर्द में कराती रहती है। हम आ रहे हैं बुआ। नारायण, मैं क्या कह रहा था? इंदु के लापता पति पंकज को ढूंढने निकली पुलिस टीम के सामने बड़ी ही विचित्र बातें आ रही थी, लेकिन अभी तक उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। आखिर एक बीवी बच्चे वाला जिम्मेदार आदमी अचानक कहाँ गायब हो गया था? क्या वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया था या फिर उसके गायब होने के पीछे कोई साजिश थी? हाँ साहब, आयरा, उस दिन उसके साथ एक लड़की भी थी, वो उससे ही बात कर रहा था। लड़की? हाँ साहब। स्केच बनवा सकते हो? हाँ साहब। सर, चाय वाले ने ये स्केच बनवाया। लड़की कौन है? ये काम करते हैं, पंकज के रिश्तेदारों और गाँव वालों से पता करते हैं। क्या आप इस लड़की को जानते हैं? इसे पंकज के साथ देखा गया था। नहीं साहब, हम तो कभी नहीं देखे। कौन है ये? पंकज 3 मार्च को फैक्ट्री से निकलने के बाद इससे मिला था। साहब, हम भी लड़की को नहीं जानते। और पंकज का कुछ पता चला? अभी तो नहीं पता चला है, पता लग जाएगा। जैसे कुछ पता लगेगा हम आपको बताएंगे। चलो। अरे भैया, ये आवाज फिर से कैसी आ रही है? राम जी, सब कुछ ठीक है ना? ठीक ही है साहब, बुढ़ापे की मार है, सह नहीं पा रही है। दवाई का वक्त हो गया है, दवाई देंगे तो ठीक हो जाएगी। राम सर, हाँ। गांव में सब लोगों से पूछा, लेकिन कोई भी इस लड़की को जानता नहीं है। हो सकता है ये लड़की इस गांव की ना हो। एक काम करो, आसपास के जितने भी गांव हैं, उन सबके थानों में फोटो सर्कुलेट करवा दो। कहीं ना कहीं तो कोई सुराग मिलेगा। सर, चलो। क्यों बेला को उसी के घर वालों ने दुत्कार कर भगा दिया था, और जब पुलिस ने बेला को पंकज के साथ देखने पर उसका स्केच बनवा कर परिवार वालों और गाँव वालों से पूछताछ की, तो सबने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? विमला को भी हर बार पुलिस की नजर से बचाया जा रहा था, और वही विमला दिन रात अपनी मौत की भीख क्यों मांग रही थी? और कुसुम को विमला किस बात के लिए चेतावनी दे रही थी? गांव वालों के बीच में ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने में पूरा गांव एकजुट था? अरे तू काहे सर पे नाच रही है? बैठ तो नहीं जाती शांति से? बाबूजी, ऐसे कैसे शांति से बैठ जाए हम ही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बेला इनसे मिली कैसे? ये बेला की 25 जिस दिन आई थी ना, उसी दिन मार के काट देना चाहिए था। यहीं तो लागत है कि ये सब कुछ उसने किया है। वैसे अम्मा, वो बेला हमको भी मिली थी, कॉलेज जा रहे थे ना। हम घर वापस आना चाहते हैं। चकोरी, चकोरी सुनना, दीदी हम तुम्हारे। जबरदस्ती बात करने की कोशिश करी थी। ए कुसुम्बा, जरा चकोरी के लिए गरम गरम दूध ले। देख बेटे, तू इन सब बातों की तरफ ध्यान ना दे, तू तो बस अपनी पढ़ाई कर। सर, भरोली थाने से खबर है। क्या खबर है? उन लोगों ने उस लड़के को स्पॉट किया जो पंकज से मिली थी। वहां का हवलदार उस पर नजर रखे हुए हैं। इससे पहले कि वह हाथ से निकले, चलो उसे पकड़ते हैं। सर, बेला बहुत चर्चे है तुम्हारी पुलिस डिपार्टमेंट में। चोरी चकारी, छीना झपटी और न जाने क्या क्या। बोलो, पंकज को क्यों मिली थी? चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, बोलो। पहले आप लोग हमें खाना खिलाइए, भूख लगी है हमें। बोलो, पंकज को क्यों मिली थी? साहब, हम घर से भाग गए थे, फिर घर लौटा पे जाते थे, लेकिन घर वाले हमें अंदर नहीं ले रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि एक लौते दामाद की उंगली पकड़ के हम घर में घुस जाएंगे। दामाद? हाँ साहब, जीजा है वो मेरे, इंदु के पति। इंदु हमारी बहन है साहब। बेला ने हमें बता दिया कि वो तुम्हारी बेटी है। इतना बड़ा सच छुपाने की वजह? हमें नहीं मालूम साहब कि उन्होंने आप लोगों से ये बात क्यों छिपाई। पंकज हमारे जीजा हैं और इंदु हमारी बहन है, कुसुम चकोरी भी हमारी बहनें हैं, सारा गांव हमें जानता है साहब। तो तुम्हें घर में वापस क्यों नहीं लेते? उस कलमुही ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, किस मुंह से कहते हैं कि वो हमारी बेटी है? पुलिस को गुमराह करना एक अपराध है, और बेला के बारे में हमसे झूठ बोलकर आपने वही अपराध किया है। हम गरीब लोग हैं साहब, और इस पूरी दुनिया में एक ही चीज हमको सबसे ज्यादा प्यारी है, वो है इज्जत। और झूठ बोलकर हम उसी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वही बेला पता नहीं कहाँ अपना मुंह काला करा के आई है, और अब अपने साथ हमारा नाम भी काला कर रही। गांव वाले दुख देके हमारा, और इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तुम्हारे घर वालों के अनुसार तुम्हारे चरित्र की वजह से उन्होंने तुम्हारे साथ रिश्ते तोड़े, इसमें कितनी सच्चाई है? नाटक बंद करो और जो पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दो। इतने साल तुम अपने घर से बाहर रही, और अचानक एक दिन आती हो और पंकज को मिलती हो, उसके बाद अचानक पंकज गायब हो जाता है। आखिर माजरा क्या है? नहीं जेब, अब हम नहीं जेब। नहीं हम देंगे तुमको। छोड़ो हमको। कहाँ छोड़ो? आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी भी यही हाल होगा। आज हमारी बारी। विमला की चेतावनी में ऐसा क्या राज था जो कुसुम को बेचैन कर देता था? क्यों वो बार बार चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी? इतना तो तय था कि कई ऐसे राज थे जो छिपाए जा रहे थे। आ गई तू? जब हम मदद मांगने आए थे तब तो मुंह फेर लिया था। हम तेरे पैर पड़ते हैं, हमें माफ कर दो। हम घर वापस आना चाहते हैं। जो तू की है ना, माफी लायक नहीं। नाक कटवा दी हमारी। चली जाए, हमको दोबारा कबू मत मिलना। हम चाह के भी तेरी मदद नहीं कर सकते, हम तो खुद मजबूर हैं। और सब कुछ जानते हुए भी तू ऐसा कह रही है। फिर क्यों आई है यहाँ? तुझे देखने आई है। पुलिस वाले कह रहे थे कि पागलों की तरह हरकतें कर रही है। वो हम पागल होने का नाटक कर रहे हैं। अब हाथ जोड़ते हैं, इस कैद खाने से ना हमें बाहर निकालो, समझी? अगर हमने अपनी जुबान खोली ना तो तुम सब सलाखों के पीछे होगे, समझ गए ना? ठीक है, तुम्हारी बहन बेला को छोड़ रहे हैं। हरदीपुर से बोल रहे हैं। ये पंकज बा ना, यहीं अपने दोस्त घर छुपा हुआ है। हमें पता चला है कि कुसुम और पंकज बा छुप छुप के कहीं मिलते हैं। तुम उस पर नजर रखो, हम लोग पहुंचते हैं। सर हम कुछ नहीं कर रहे ना, लेके चलो। ये क्या है, हमको पता है तो पहले सब तंग आके भाग गए थे वहां से। तू तो शादीशुदा था, साली के साथ चक्कर था, तू किस बात से तंग आ गया? सब कहने का बात है सब। हाँ, शुरू शुरू में बढ़िया था, मजेदार था, दोनों हाथ में लड्डू था, एक तरफ इंदू और दूसरी तरफ कुसुम। लेकिन सब धीरे धीरे मुसीबत बढ़ने लगा। दोनों बहन का ना नखरा बढ़ने लगा। वो जिद पे अड़ी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम उसके साथ बिताएं, और उधर कुसुम साहब उसका एक दिन में तो मन ही नहीं भरता था। एकदम जिद पे अड़ी हुई थी कि हमको हफ्ता में 2 बार मिले साहब। कैसे? देखिए जीजा जी, जब भी हम गएंगे आपको मिलना ही पड़ेगा। ये दोनों बहन के चक्कर में ना एकदम माथा ना भन्ना गया था, इसलिए भाग गए थे साहब। पंकज के हाथ लगते ही पुलिस को पंकज, इंदू और कुसुम के ट्रायंगल का खुलासा हुआ। पंकज का ये कहना था कि वो इंदू और कुसुम से छुटकारा चाहता था, जिसकी वजह से वो खुद ही भाग गया था। क्या वो सच कह रहा था? ऐसा लग रहा था कि इस केस के सारे तार अब सुलझ चुके हैं, और शायद इस केस में आई शांति एक और बड़े तूफान की शुरुआत थी। क्या कहा? कुसुम वो तो खुद ही लापता है कल से। पहले पंकज गायब हुआ और अब वो आ गया तो कुसुम। क्या चल रहा है इस परिवार में? कहाँ गायब किया उसे? बहन के सुहाग पर डाका डाल रही थी, डायन भी साथ कर छोड़ के बाहर करती है। उसे कुछ मत कहिए, कुसुम ने कुछ नहीं किया साहब, हमें पहले से ही सब पता था। क्या तुम्हें पता था कि कुसुम का तुम्हारे पति के साथ संबंध है? हाँ। तुम्हें क्या लगता है जो हमने सुना वो सच है और इसलिए कुसुम भाग गई? भाग गई? हमरी बला से भाग गई या फिर इसके पीछे कुछ और है? यह हम पता कर ही लेंगे। कुसुम जो घर की सेविका थी वो घर से गायब थी। पुलिस की तहकीकात जो पंकज के मिसिंग केस से शुरू हुई थी अब कुसुम की गुमशुदगी के केस में तब्दील हो गई थी। आखिर कुसुम कहाँ और क्यों गायब हुई थी? लग रहा है इंदू, देखो हद से आगे बढ़ी ना, तो सही बता रहे हैं हम, बच्चों की कसम खा के बता रहे हैं। तुम दोनों बहन का पोल पट्टी जो है ना, जाके पुलिस वालों को बता देंगे। मुंह पे टेप मार के बैठे हैं तो चुप ही रहने दो। नारायण, कोई तो ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही। एक काम करो, इंदू और पंकज पर नजर रखो। सर, ये कहीं वही बुढ़िया तो नहीं है जो जिसकी आवाज इस घर से आती है? एक मिनट, क्या हुआ इन्हें? अब क्या कहें साहब, पहले तो बीमार रहा करती थी, अब नहाते हुए गिर गई तो कलाई में चोट आ गई। वही मरहम पट्टी करवा के आ रहे हैं, देखिए ठीक हो जाए। चलो बुआ। नारायण, मुझे लग रहा है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। नहाते वक्त अगर कोई गिरेगा तो सिर्फ कलाई में कैसे चोट लगेगी, और भी कहीं चोट लगनी चाहिए। और लोग बता रहे थे कि कुसुम का इस औरत से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम भी इनके साथ मिली हो? सर, हो सकता है कुसुम अंदर ही हो। चलो चल के देखते हैं आखिर चल क्या रहा है इस घर में। दम लगा साहब, वो दवा खा के सो रही है। हटो साहब, साहब वो खोलो इनको। आप बताइए, आपके साथ क्या क्या हुआ है? ये सब हमारे साथ नहीं होते साहब, गांव के बहुत घरों में यही सब होते हैं। कुसुम के साथ भी ऐसा ही हुआ साहब। बिना डरे हमें सब कुछ बताइए। सब इस गांव की एक प्रथा है, हर घर से एक लड़की चुनी जाती है जिंदगी भर सेविका बनने के लिए साहब। सेविका? घर से जो भी लड़की चुनी जाती है उसे घर का सेवा चाकरी करना होता है पूरे जिंदगी भर। उसको अपने मन से न शादी करने का हक है न घर बसाने का। ये प्रथा उन लोगों ने शुरू की थी जिनके घरों में कोई औरतें नहीं थी देखभाल करने के लिए, और वक्त के साथ लोगों ने इस प्रथा की शक्लें बदल दी साहब, शक्लें बदल दी। बलराज के घर में भी 5 बेटियां हैं साहब, जिनमें से एक को चुना जाना था सेविका बनने के लिए। सेविका बनने के लिए कुसुम को चुना गया था। अच्छा ये बताइए, इस बात का फैसला कैसे होता है कि सेविका कौन होगी? हर घर में चुनाव का तरीका अलग अलग होता है साहब। कोई अपनी बड़ी बेटी को चुन लेता है सेविका के लिए, कोई छोटी बेटी को चुन लेता है, और कोई तो किसी भी लड़की को चुन लेता है। कभी कभी लड़कियों के बीच में प्रतियोगिता होती है कि किसको सेविका बनाया जाए। उस कुएं से जो भी सबसे पहला मटका भर के यहाँ लाएगा वो जीत जाएगा, और वही बनेगी हमारे घर की सेविका। भागो जल्दी से। हम सब दिन भर खड़े रहेंगे लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अब जो है हम मटके ही बदल दिए। तुम्हारे सर पर जो मटका है वो तुम्हारी बहन का है, और प्रतियोगिता वही पानी भर के लाना है। और एक बात ध्यान रखो, अगर तुम लोगों ने ये प्रतियोगिता ठीक से नहीं की तो फैसला तो पर्ची निकाल के भी हो सकता है। चलो भागो। माफ कर दो पर हम तो जा रहे हैं। शाबाश बेटा। डरपोक कहीं की। लो तो हो गया फैसला। ए प्रतियोगिता के बाद तय हो गया है कि हमको हमारी सेविका मिल गई और वो है बेला। हमें सेविका वेविका नहीं बनना था, इसलिए हम गांव से ही भाग गए। ये सुमन तुम्हारी कौन सी बहन है जिसके बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया अब तक? सुमन साहब हमारी बहन थी, हमारे भाग जाने के बाद वही सेविका बनी थी, लेकिन साहब हमारी तरह वो भी भाग गई। तुम भी तो भागी थी, तो तुम वापस क्यों आना चाहती थी? पिछले 8 सालों में साहब हमने जो कुछ भी सहा है उसके मुकाबले तो हमारे घर की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी थी साहब। भीख मांगने से लेके लोगों के घर काम करना, खुद को लोगों के हाथ हर रात बेच के अपने आप को जिंदा रखना साहब। हमें समझ में आ गया था साहब कि ये ज़िंदगी देखने से तो अच्छा है कि हम सेविका बन जाए। एक प्रथा के नाम पर क्या ढोंग मचा रखा है तुम लोगों ने? एक प्रथा को मुखौटा पहना कर अपनी घर की बच्चियों को गुलाम बनाना चाहते हैं, वो भी जीवन भर के लिए? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, इतनी घटिया सोच है तुम लोगों की। अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय उन्हें सेविका बनाकर रखा जा रहा है। हमारे बुजुर्गों की बनाई प्रथा है ये सेविका प्रथा। हमार मौसी 80 साल की उम्र तक सेविका बनी रही, उल्टा उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उन्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है। और तुम घर में बैठकर खटिया तोड़ो और घर की बच्चियों और औरतों से काम करवाओ अपने मतलब की खातिर। ये प्रथा बंद करो वरना सबको जेल में डाल दूंगा। हमारे देश में आज भी ढकी छुपी ऐसी कई प्रथाएं प्रचलित हैं जहां नारी के सम्मान और गरिमा को तार-तार किया जाता है। सेविका प्रथा यानी कि एक ऐसी प्रथा जहां लड़कियों से उनके सारे हक छीनकर उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वो अपनी इच्छाओं अपनी आकांक्षाओं को भुलाकर सिर्फ अपने घर वालों की सेवा में जुट जाएं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम इस प्रथा से तंग आकर कहीं भाग गई हो? कारण भागना होता तो कब की भाग जाती। इतने सालों बाद ये फैसला लेना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने सारे पुलिस थानों को अलर्ट कर दो, ये कोई नॉर्मल मिसिंग केस नहीं है। हो ना हो कुछ ये प्रथा के नाम पर इस घर में कुछ पकड़ा है। सर मैंने कुसुम की फोटो सारे बस अड्डे और चेक पॉइंट पर सर्कुलेट कर दी है। अभी लड़की जहां भी दिखेगी हमारे कब्जे में होगी। हेलो ठीक है सर, कुसुम को पता चल गया है, वो माधोपुर में देखी गई सर। यही माधोपुर चौराहा है। हाँ। कुसुम को यहीं देखा गया था। पूछताछ करो आगे बढ़ो सर। सर कुसुम इस तरफ गई है सर। आस पास देखो कहीं यहीं सुराग मिले शायद कुसुम का। यहाँ ये सर ये देखिए कुसुम की लाश। सर इसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। इस कुसुम की फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन निकालो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर अरे क्या जरूरत है उस मनुष की मौत पे आंसू बहाने की? अच्छा वो मर गई साहब, वो हमारे लिए पहले ही मर गई थी। सुना है तुझे जुआ खेलने का बहुत शौक है, गांव वालों के साथ बैठकर जुआ खेलता है। कैसा बाप है तू? अपनी मेहनत की कमाई से तुम लोग का वो पेट भरती है और तू उसे जुए में उड़ाता है। प्रथा के नाम पर तूने पहले अपनी सेविका बनाया उसे, और जब उसने घर छोड़ने की बात की होगी तो मार दिया होगा उसे। देख रहे हो आप घटिया है मुझे। आप बताओ इतनी दूर जाके उसे मैं मार सकता हूँ? साहब हमारी लड़की के दम पर इस घर का चूल्हा चौका चलता था। जिसने भी उसे जान से मारा होगा ना, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। पाप लगेगा उसे, पाप। साहब हम क्यों अपनी बहन को मारेंगे? इसलिए क्योंकि तुम घर आना चाहती थी और कुसुम आने नहीं दे रही थी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमने नहीं मारा है अपनी बहन को। आप एक बार पंकज से क्यों नहीं पूछते हैं? और साहब पंकज और कुसुम के बीच में तो चक्कर भी था, हो सकता है उससे पीछा छुड़ाने के लिए पंकज ने उसका खून कर दिया हो। साहब तंग आने से कोई किसी को खून कर सकता है, तो फिर तो इंदु ही हुई ना उसकी खूनी। वाह, एक तीर से दो निशाने। पहले कुसुम को रास्ते से हटाया, फिर आप उसकी मौत की सजा अपनी पत्नी के सर पर डालकर उससे भी निजात पाना चाहते हो। नहीं सर यकीन कीजिए, इंदु हमारे और कुसुम के रिश्ते से कभी खुश थी ही नहीं। कुसुम ने जबरदस्ती मनाया था उसको ताकि हम साथ में रह सके। क्या यह सच है कि कुसुम ने तुमसे जबरदस्ती करके ये बात मनवाई कि तुम अपने पति को उसके साथ कमरे में भेजो? हाँ सर, एकदम सच है। तभी तो इंदु हमारे साथ जबरदस्ती की थी। मान जाइए ना, वो हमको कह रही है अगर हम उसकी बात नहीं माने ना तो थाने जाके सुमन के बारे में सब कुछ बता देगी। पता भी है क्या बोल रही हो तुम? अपने पति को किसी के साथ सोने के लिए कह रही हो। अरे तो गलती क्या है, मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छा ही लगेगा। जो पत्नी अपने पति को लेकर इतनी फिक्रमंद हो और उसे किसी और के साथ बांटे, ये बात समझ में नहीं आई। सीधी सी बात है साहब, कुसुम को बेला की जगह सेविका बनना पड़ा तो उसके भी तो सपने होंगे, उसके भी तो कुछ अरमान होंगे। तो उसकी शादी करवा देती, उसे इस प्रथा से मुक्त करवा देती। हमारे बस में जो था हमने किया। तो कुसुम को मारना भी तुम्हारे बस में था? नहीं साहब, हमने कुसुम को नहीं मारा। हम भला अपनी बहन को क्यों मारेंगे? सुमन के साथ क्या हुआ था? हमें नहीं पता, भाग गई होगी कहीं। कुसुम और इंदु के बीच में जरूर कोई गहरा राज है। सर एक बात और है जो मुझे इस केस में खटक रही है, ये लोग सुमन के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं। इतने सालों से उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ऐसा क्यों सर? इस केस में हमने सबसे पूछताछ की लेकिन इस चकोरी से पूछताछ नहीं की। देखो चकोरी, तुम अभी छोटी हो और तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। सच सच बताओ क्या हुआ था तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे और ये मेरा वादा है। इंदु और कुसुम के बीच में कौन सा रास्ता? सुमन जब घर से भागी थी तब तुम करीब 9 या 10 साल की होगी। क्या बता सकते हो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सुमन दीदी घर से भागी नहीं थी, उनको तो इंदु दीदी ने मार दिया था। क्या मार दिया? क्यों? वो बस एक गलती थी। बेला के घर से भाग जाने के बाद सुमन दीदी को सेविका बनना पड़ता और सुमन दीदी सेविका नहीं बनना चाहती थी, इसलिए घर से भागने की कोशिश करने लगी। पर इससे पहले कि वो भाग पाते, कुसुम दीदी और इंदु दीदी ने उनको पकड़ लिया। हम भी थे वहाँ पर, उनको समझाने की कोशिश की पर वो नहीं समझी। इसी बात से तीनों के बीच में झगड़ा हुआ। इतने में इंदु दीदी ने सुमन दीदी को धक्का मार दिया, उनके सर पर चोट लगी और वो मर गई। और फिर सुमन की लाश का क्या हुआ? सुमन दीदी की लाश को इंदु दीदी और कुसुम दीदी ने हमारे घर के पीछे गाड़ दिया था। सर इनके घर के पीछे ठीक उसी जगह जहाँ चकोरी ने बताया था हमें एक कंकाल मिला है। इंदु जी, तुम्हारा काला चिट्ठा खुल चुका है, बेहतर है कि तुम अपना मुंह खोल दो। साहब ये सच है कि हमने ही सुमन को मारा, लेकिन हमने उसे जानबूझ के नहीं मारा और कुसुम ने इसी बात का फायदा उठाया। वो सेविका बनने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन हमारा पारिवारिक जीवन देखकर उसके मन में दुनियादारी का नाक फुंकारे मारने लगा और उसने हमें धमकी दी। अगर हमने अपना पति उसके साथ नहीं बांटा तो वो आके आपको सब कुछ सच सच बता देगी। तो इन सब से तंग आकर तुमने कुसुम को मार दिया? नहीं, हमने कुसुम को नहीं मारा साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, हमने कुसुम को नहीं मारा। सर मैंने सबकी इंफॉर्मेशन अच्छे से वेरीफाई कर ली है। सर उस दिन चकोरी कॉलेज में थी और इंदु बच्चों के साथ स्कूल में। और पंकज हत्या वाले दिन वो कहाँ था? सर पंकज उस दिन कारखाने गया था अपनी नौकरी वापस मांगने, मैंने मैनेजर से कंफर्म किया है। सर बेला भी उस दिन घर पे थी और बलराज अपने दोस्त के साथ अस्पताल गया था आर्थराइटिस का चेकअप कराने के लिए। सर इन सब में एक ऐसा शख्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मेल नहीं खाती। कौन है वो? हम इस गाँव के नहीं थे साहब, इसलिए इस गाँव की प्रथा परंपरा उसमें हमारी कोई बात मायने नहीं रखती थी साहब। बस जैसा भी माहौल था हम ढलते गए, वक्त भी बीतता गया साहब। और फिर एक दिन चकरिया ने हमें बताया कि कुसुम भाग रही है। अम्मा क्या हो गया चकोरी? अम्मा कुसुम दीदी घर से भाग गई है, हमको बहुत डर लग रहा है, हमको सेविका नहीं बनना है। ईका कह रही है तो फिक्र मत कर, हम देखते हैं। हमारे पूरे घर की बर्बादी इसी प्रथा की वजह से हुई है साहब। हमारी बिटिया सुमन वो पहले ही मर गई, बेला भी घर से भाग गई, इंदु का भी जैसे तैसे हमने ब्याह किया। अब हम ये नहीं चाहते थे कि चकोरे की जिंदगी भी इस प्रथा के आगे बलि चढ़ जाए, इसीलिए हमने कुसुम का पीछा किया साहब। ए कुसुम रुकना, तू भाग रही है? अम्मा हम तंग आ चुके हैं, तुमको नहीं रहना इस घुटन भरे माहौल में जहाँ एक पत्नी का सुख सिर्फ कुछ ही पलों के लिए मिले, वो भी भीख में। देख कुसुम्बा, हम जानते हैं कि तेरे साथ साथ तेरे बहनों की भी जिंदगी खराब हुई है इस प्रथा की वजह से, लेकिन अब चकोरे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तू ही उसे बचा सकती है इस नरक से, कम से कम परिवार में एक लड़की का घर तो बस जाएगा। अम्मा तुमको बस चकोरिया की फिक्र है, हम तुम्हारी बिटिया नहीं है का? और तुम उस वक्त कहाँ थी जब बेला भागी थी? उसको काहे नहीं रोकी थी तुम? आज तक मुंह पे ताला लगाए हुए थी और आज जब हम आजाद होना चाहते हैं तो तुम्हारा मुंह खुल गया है। काहे हम किसी और के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करें? अब तक तो भागने वाले नहीं थे, लेकिन अब जरूर भागेंगे। हमको रोकने की कोशिश भी की ना तो ठीक नहीं होगा। और रही बात चकोरिया की, अब उसी को बनाओ सेविका, निभाओ प्रथा। सेविका तुम क्या कर रही हो? छुटकारा चाहती है ना तो इससे ले, हम देते हैं तुझे छुटकारा। चकोरी का सेविका बनाएगी। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा साहब कि पाप, इस पाप के दोषी हम हैं या ये प्रथा है साहब। बहन के हाथों बहन की हत्या, मां के हाथों बेटी की हत्या, वजह एक ऐसी घिनौनी प्रथा को निभाने की कोशिश जिसका ना तो कोई मूल है और ना ही कोई हकीकत। बचपन से ही लड़कियां अपने पति, अपने नए घर, अपने नए बनने वाले रिश्तों को लेकर सपने सजोती हैं, और जब इन्हीं सपनों को तोड़ दिया जाए, उनकी इच्छाओं को रौंद दिया जाए, तो कुछ इसे अपना नसीब मानकर सहन कर लेती हैं और कुछ अपने तरीके से उनका हल निकालती हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में उनके जज्बात कुछ ले जाते हैं। वक्त आ गया है कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई इन स्वार्थी प्रथाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकें और दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.